हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जेएसएससी सीजीएल पेपर थर्ड को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर के सेशन को हम लोग लेकर आ रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो कंप्यूटर से रिलेटेड हो गए, एमसीक्यू से रिलेटेड होंगे, सारे प्लेलिस्ट में लगे हुए। फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट होगा पहले उस वीडियो को देखिएगा, और सारे ही जो वीडियो हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं और आपके एग्ज़ाम में जो आने वाले हैं वही सब टॉपिक को मैं बता रही हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इंटरनेट से संबंधित होगा। इससे पहले शॉर्टकट कीज़, फुल फॉर्म और बहुत सारे टॉपिक, मेमोरी, इनपुट आउटपुट सब चीज़ के बारे में बताई हूँ, तो सारे वीडियो प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं। और आज का जो वीडियो है वो इंटरनेट पर बेस्ड होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, इंटरनेट ये जेएसएससी सीजीएल में साफ साफ मेंशन है कि इंटरनेट आपको पढ़कर जाना है। तो इंटरनेट आपको छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, इंटरनेट आपको पढ़कर जाना है। सबसे मेन बात ये है कि सिलेबस में ये चैप्टर मेंशन है, तो इसको ध्यान में रख के पढ़िएगा। और जितना मैं सारे एमसीक्यू बता रही हूँ ये एमसीक्यू आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिल्कुल भी देर नहीं करते हुए। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, आज के डेट में जबकि डिजिटल भारत हमारा हो गया है, बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई इंटरनेट का यूज़ करना बखूबी जान रहे हैं, अच्छे से इस्तेमाल करने जान रहे हैं, हर एक डेटा को कैसे लेना है इंटरनेट से, हर आजकल मतलब हर कोई इंटरनेट के बारे में बहुत ही अच्छे से जान चुके हैं। तो कुछ इसके मेन बात है उसको भी आपको जानना होगा। भारत में इंटरनेट का शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुआ था। 15 अगस्त 1995, ये डेट आप याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क बोला जाता है। इंटरनेट को और क्या नाम से जानते हैं? तो सूचना राजपथ। एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूचना राजपथ से क्या जाना जाता है, किसको जानते हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि इंटरनेट को सूचना राजपथ से जाना जाता है। इंग्लिश में आपको ऐसे पूछा जाएगा, कि इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के नाम से किसको जानते हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि इंटरनेट की यहाँ बात हो रही है। इसको इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे भी बोला जाता है, सूचना राजपथ भी बोला जाता है, और इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरनेशनल नेटवर्क, तो ये आपको तीन चार नाम जो है आपको ध्यान में रखना होगा, ये सारे इंटरनेट के नाम हैं। चलिए मैं आपको आगे अगले क्वेश्चन की ओर ले चलती हूँ और अगला क्वेश्चन बताती हूँ। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई गई थी? वो कौन सा स्टेट था जो सबसे पहले भारत में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? कौन था वो स्टेट? तो सिक्किम था। एकदम याद कर लीजिएगा, सारे जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ सारे मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, वह डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को, इसको थोड़ा हम लोग पेज को थोड़ा और छोटा करते हैं आपको दिखे, क्वेश्चन क्या है। वह डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? नेटवर्क, बीच में नेटवर्क है, ये दो है नेटवर्क, यहाँ चार है, दो या अधिक नेटवर्क को जोड़ने का जो काम करता है वो क्या है? गेटवे, या दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ने का काम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली राजनीति पार्टी का आप नाम बताइए जिसने सबसे पहले इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। तो वह कौन सी भारत की पार्टी थी, वह भारत की पहली पार्टी कौन थी जिसने सबसे पहले अपना इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था, वो कौन सी पार्टी थी? तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपना इंटरनेट पर वेबसाइट बनाया था। सारे क्वेश्चन मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सभी को आप लोग रट्टा मार लीजिएगा। एचटीटीपी का उपयोग करती है, तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म मैं आपको पहले बताती हूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा। एचटीटीपी का उपयोग करती है तो क्या करती है? वेब पेज। एचटीटीपी का उपयोग करती क्या करती है? वेब पेज। www. से शुरू होने वाला पता किससे संबंधित रखता है?
तो देखिए www है क्या, आप इस बात को ऐसे समझिए, www है क्या, तो www वेबसाइट है, वेबसाइट है। सभी कोई अपना अपना वेबसाइट बना कर रखता है, जैसे सरकारी संस्थान हो गए, स्कूल, कॉलेजेस, व्यापारी, हॉस्पिटल, मतलब कि एटसेट्रा, सभी कोई अपना अपना वेबसाइट बना कर रखता है और उस वेबसाइट में उस चीज़ का सारा इन्फॉर्मेशन, उसमें डेटा हर कुछ का दिया हुआ रहता है। फॉर एग्जांपल एसएससी भी अपना वेबसाइट बना कर रखी है, मतलब कि एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, एसएससी अपना साइट बना कर रखी है, बैंक अपना वेबसाइट बना कर रखा है, तो और वेबसाइट में सारा डेटा है। तो www से शुरू होने वाला पता किसे संबंधित है, तो वेबसाइट से। सभी कोई अपना वेबसाइट बना कर रखा है और वेबसाइट पर हर एक चीज़ डाटा अवेलेबल है उस चीज़ का, कि एडमिशन कब से होगा, फॉर्म कब से फिल होगा, कब लास्ट डेट है, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताई, ये है www का पूर्ण रूप है क्या, तो वर्ल्ड वाइड वेब। www है क्या, तो वर्ल्ड वाइड वेब। www का आविष्कारक तथा प्रवर्तक है, www.dot का आविष्कारक तथा प्रवर्तक है कौन है, तो टीम बर्नर्स-ली। www.dot के आविष्कारक कौन है, तो टीम बर्नर्स-ली। इसको आप नाम बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि कौन किसका फादर है, कौन किसका आविष्कारक है, कौन किसका जन्मदाता है, डेट क्या है, इंटरनेट कब आया था, ये सब सभी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो रे टॉमलिंसन। एक यहाँ एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ्री ईमेल सेवा सबसे पहले किसने दिया था, तो सबीर भाटिया ने। फ्री ईमेल सेवा किसने दिया था, तो सबीर भाटिया ने सबसे पहले फ्री ईमेल सेवा दिया था। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि अच्छा ये बताइए कि सबसे पहले फ्री सेवा देने वाले शख्स का नाम वो कौन थे, तो सबीर भाटिया। या एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईमेल का जन्मदाता कौन थे, तो रे टॉमलिंसन। याहू गूगल एवं एमेज़न है, ये क्या है, तो इंटरनेट साइट्स है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। सूचना राजपथ किसे कहते हैं, सूचना जो राजपथ है वो किसे कहते हैं, तो इंटरनेट को कहते हैं। सूचना राजपथ किसको कहते हैं, तो इंटरनेट को कहते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बताई थी। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है इंटरनेशनल नेटवर्क। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल। मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। एग्ज़ाम में देखिए मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर में कन्फ्यूज़न कैसे क्रिएट करेगा, मॉड्यूलेटर को मॉड्यूलेशन ऑप्शन में डाल देगा। तो लेकिन ध्यान में रखना टर लग रहा है या क्या लग रहा है, तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, टर लगा हुआ है। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहते हैं, URL को कहते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। HTML का फुल फॉर्म आप बता दीजिए। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पासवर्ड क्या है, तो गोपनीयता को बरकरार रखता है। आप लोग देखिए फ़ोन में पासवर्ड लगा कर रखते हैं, कंप्यूटर में पासवर्ड लगा कर रखते हैं, कि आपका जो भी प्राइवेसी है उसको बिल्कुल सिक्योर कर सकें। व्हाट्सएप को लॉक करके रखते हैं, फ़ोटो इमेज को लॉक करके रखते हैं, वीडियो को लॉक करके रखते हैं, या पर्सनल फाइल को लॉक करके रखते हैं। तो पासवर्ड क्या करता है, तो गोपनीयता, पासवर्ड जो है वो गोपनीयता को बरकरार रखता है, मतलब आपका प्राइवेसी को आपका मेंटेन करके रखता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंप्यूटर के और सारे सेशन या और सारे वीडियोज़ में लेकर आऊँगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा
अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी अपने मित्र के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।